नंबर 11, अंकेश रीड द क्वेश्चन नंबर 11। ओके ओके, देर इज अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, देर इज वन सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 90 एंड सेकेंड इज द एंड सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 1 मीटर 26 सेकेंड, हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकेंड देन द फर्स्ट, हाउ मच लॉन्गर। सी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब कि वेन देर इज अ टू सर्कल विद अ कॉमन सेंटर, सो द आर वन इज इक्वल टू 98 एंड वॉट अबाउट द आर टू, इट्स आर टू इज इक्वल टू 1 मीटर 26 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 100 प्लस 26 विच इज 126 सेंटीमीटर। नाउ इट इज क्लियर, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन द सर्कमफेरेंस। सो डिफरेंस इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, सो वी कैन डू द डायरेक्टली सर्कमफेरेंस, सो डिफरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 माइनस सर्कमफेरेंस 1, डिफरेंस इज इक्वल टू C2 माइनस C1। नाउ सर्कमफेरेंस 2, द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस 2 इज 2 पाई आर टू माइनस 2 पाई आर 1, इज दैट क्लियर। नाउ वी टेक आउट अ कॉमन 2 पाई, देन ब्रैकेट R2 माइनस R1, क्लियर। नाउ द कैलकुलेशन इज हियर, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय आर टू, आर टू इज 98, सॉरी आर टू इज 126, सो इट विल बी 126 माइनस 98। ओके नाउ 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस इज 28, 7 फोर्स आर 28। नाउ 44 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। इन द क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सर्कमफेरेंस इफ द सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मीन्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स व्हेन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज कॉमन एंड देर इज टू सर्कल टू कॉन्सेंट्रिक देर इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन विच द रेडियस द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द इनर इज 98 एंड रेडियस ऑफ द आउटर इज 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, सो द टोटल इज 126 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकेंड सर्कल देन ऑफ द फर्स्ट, सो द डिफरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2 माइनस सर्कमफेरेंस 1, सो वी हैव टू राइट 2 पाई आर 2 माइनस 2 पाई आर 1। नाउ द 2 पाई इज कॉमन, R2 माइनस R1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ द टू रेडियस दैट इज 126 माइनस 28 98, सो द डिफरेंस इज 28, सो वी कैंसिल एंड कैलकुलेट इट, दिस 2 टाइम्स 22 इज 44 टाइम्स 4 इज 176 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज क्लियर, नाउ कॉपीड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक क्लास में कौन कौन है वो जरा बताओ मुझे, अंकेश का तो अंकेश की आवाज तो सुन रहा हूँ मैं, और एक कौन कौन है, अंकेश और रीड द ओ इट्स ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन आकृति, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
So first there is a equilateral triangle with side 8.8, 8.8 and 8.8 centimeter. Now then rebend the wire and make a circle with radius r or a diameter d. So you see, in the perimeter of this circle is equal to the circumference of the circle. So we write it here, circumference of circle, circumference of circle is equal to perimeter of triangle. So the circumference of circle, and we have to find what is this d. So we can use pi d is equal to 3 multiplied by 8.8. So this is 22 upon 7 multiplied by d into 3 into 8.8. So d is equal to 3 multiplied by 8.8 into 7 upon 22. So remove the decimal, it will be this 22 fours are 84. 22 fours are 88. Now diameter is equal to 3 times 4 times 7 upon 10. So 3 fours are 12 and 12 sevens are 84. So 84. Now it will be 8.4. What is the centimeter or what? Centimeter. Clear? Aman, are you able to hear my voice? Please, थोड़ा अमन वॉल्यूम अपना काम करो फोन का. यू कैन रिड्यूस योर फोन वॉल्यूम. सो नाउ द क्वेश्चन इज, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन अ शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच ऑफ हूज साइड इज 8.8. द वायर इज रीबेंट टू मेक अ सर्कल सर्कुलर रिंग एंड वी हैव टू फाइंड द डायमीटर. सो द सेम वायर इज यूज टू मेक दीज टू शेप्स. So the circumference of circle is equal to the perimeter of the triangle. Circumference of circle, we can use the pi d because we have to find the diameter of the circle. If we have to find the radius of the circle, we can use 2 pi r. So the circumference of circle is pi d is equal to 3 times 3 into 8 because the perimeter of equilateral triangle is equal to 3 into side. So it will be 3 times 8.8. Then we can put the value 22 upon 7 in this and then calculate the diameter. The diameter will be 8.4 centimeter. The diameter will be 8.4 centimeter. Clear? Copied? Yes, copied or not? अब ये जो बोल रहा है उसकी आवाज ही नहीं आ रही है तो उसको बोलने का क्या फायदा है? Now Sambhav, read the question number 13. Sambhav, can you read the question number 13? Now the question number 13. A rhombus has a same perimeter as the circumference of circle. Each side of a rhombus is 33. Find the radius of the circle. Question number 13 is your homework. Now the question number 15. A wire of loop is in the form of a circle of radius 35. If it is rebent in the form of square,
What is the length of each side of the square? This is also your homework. Now the question number 16. A well of diameter 140 has a stone parapet around it. If the length of the outer edge of the parapet is 616, find the width of the parapet. See, parapet matlab chabutra hota hai. This is parapet, okay? Radius is equal to 140 upon 2, which is equal to 70. So the inner radius, or we have to write R1 is equal to 70 centimeter. And now if the length of the outer edge of the parapet, now the outer circumference is given here, so we have to find the circumference of parapet is given. Circumference of a parapet. Parapet matlab chabutra is equal to 616. And we know that the formula for the circumference is equal to 2 pi r, which is equal to 616. Now the calculation is here. 2 times 22 upon this multiplied by r is equal to 616. Clear? The well diameter is 140. So the diameter is 140. So we can find out the radius. Radius of the well is 140 upon 2. Means diameter. Radius is equal to d upon 2. So this is 70. So inner radius means r1 is equal to 70 centimeter. And further the edge is given, means the circumference of parapet is 616 is given. So we can find out the radius till the parapet, means the center of the well to the parapet. We have to find the R2 first, then we will find the what is the width of the parapet. Then this, so the circumference of parapet is 616. 2 pi r is equal to 616. Now r is equal to 616 multiplied by 7 upon 2 into 22. You just cancel it. 308, then it is divisible with 11. 11 twos are 28. Now it is cancelled, 12. So the radius is equal to 12 sevens are 84. 84 is the radius. Means R2 is equal to 84. तो कोई मुझे इसकी width बता सकता? What is the width of the parapet? Width of the parapet is equal to radius 2 minus radius 1, which is equal to 84 minus 70, which is equal to 14 centimeter. Now it is clear. Now the question number 17. After the circumference of the parapet, now the after this. First you have to write this, then you have to write this, and the last one, the width of the parapet is 14 centimeter. Find the width of the parapet. See, in this is 70 and this 84 centimeter. So this is 84 minus 70, which is equal to 14 centimeter. The width of the parapet is 14 centimeter. Copied.
Now the question number 17. Ankesh, can you read the question number 17? अंकेश खुश है तुम? वही क्लास में ही हो या? हाँ सो द डायमीटर ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 2000 रेवोल्यूशन इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील. ओके, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर. मीन्स डायमीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर. सो द रेडियस ऑफ व्हील इज, अंकेश रेडियस ऑफ द व्हील इज 49 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ अभी ध्यान से देखना, द सर्कमफेरेंस इज एग्जैक्टली, अगर एक व्हील घूमता है तो दिस सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन. वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस. Circumference of wheel. It means the distance covered in one revolution is equal to the circumference of the wheel. If we cut, suppose this is a circle, or if we suppose we cut from here, it fall down like this. So it means that if a wheel start rotating like this, it can cover a distance in one revolution. Means व्हील जो है वो एक बार गोल घूमने में कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करता है. डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील. नाउ वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील. सो द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2πr, एंड नाउ इट्स 2 times 22 upon 7 multiplied by 49, it will be 7. So it's 44 multiplied by 7, which is equal to 7 308 centimeter. Is it right or not? 2 to the 7 to the 7 is 2 3 stick. Yes. Now distance cover in one revolution is 308 centimeter. So we have to write like this: distance cover in one revolution is equal to 308 meter. Centimeter, sorry. Now, number of revolution is equal to 2000. So, number of, and this is given here. So, the total distance covered by wheel is equal to 2000 divided by 308. Now what is the answer?
जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग. डिस्टेंस कवर इन वन एंड वेट अ मिनट, डोंट राइट द, डोंट कॉपी दिस. सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल, सपोज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन यूनिट डिस्टेंस. सो द टोटल डिस्टेंस, सॉरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 308. एंड नाउ इट विल बी अ वेरी बिग नंबर, सो वी कैन कन्वर्ट इट इन टू मीटर. सो 308 टाइम्स टू, 308 टाइम टू सिक्स वन सिक्स जीरो मीटर. नाउ क्लियर, एवरीवन मस्ट कॉपी फास्ट. नाउ क्लियर, क्वेश्चन नंबर 17. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 इज योर होमवर्क. द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 70, हाउ फार विल इट गो इन 250 रेवोल्यूशन. द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 77, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू ट्रेवल 121 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 19. यू कैन राइट, सी हियर, हियर इज द होमवर्क फॉर टूडेज क्लास.